मुंबई एयरपोर्ट पे एक चीज हुआ, उन्होंने स्टैंप मार दिया मेरे पासपोर्ट पे, ठीक है। फिर मुझे लेके गए अंदर, पहले वो इंडियन बंदे गए काउंटर पे, उनको अलग से ले जाके एक रूम में रख दिया, बिठा अच्छा दिया कि बैठो यहाँ पे। अच्छा वो लोग बस देख रहे कि हाथ में बहुत सारे पेपर्स है, तो ये इंडियन है, बिठा ओके रखे ओके थे 30-35, ठीक है, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। इतने सारे, मतलब वो जो रूम था पूरा फुल हो गया था, इवन लोग मोस्टली बाहर बंदे लोग बिठा रखे थे, वो सारे पंजाब से थे क्या? मोस्टली पंजाब से थे। ओके ओके आई थिंक उसका पेड बुकिंग था तो उसको छोड़ दिया। अच्छा उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे सबको, मतलब अंदर सबको कॉन्फिडेंस हो गया था कि अरे हमको भी छोड़। यहाँ पे डिसाइड हो गया कि आप जा रहे हो घर, मतलब आप जा रहे हो दुबई, टिकट आपका बुक हो गया, सभी जा रहे हैं। मैं ठंडी पड़ गई थी वहां पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी सर्बिया के बारे में, और बंदे पूछ भी रहे थे कि कोई गया है क्या, ट्रैवल किया है क्या। भाई ट्रैवल तो लोग करते रहते हैं, बट मोस्टली लोग ना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते, ये चीज़ भी होती है। कई सारे शायें हैं, कई कुछ है, कई कुछ है, कई सी चीज़ें होती हैं। तो भाई ट्रैवल तो करते रहते हैं, और भाई अपने यहाँ पे मेरे चैनल पे ऐसे रियल टाइम एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं, जिससे कि ट्रैवलर्स की हेल्प हो जाती है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती है कि कैसे ट्रैवल करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या इमिग्रेशन है, सारी चीज़ें। तो भाई आपकी कोई भी डाउट हो तो इंस्टा पर मुझे मैसेज कर सकते हो, फॉलो करो, और कोई भी डाउट हो आपका वो क्लियर हो जाएगा भाई। एंड मेरे साथ अभी प्रियंका है वेस्ट बंगाल से, और ये अभी पहुंची, जैसे आज 4 फरवरी है, तो रिसेंटली ये पहुंची हैं सर्बिया। और इनका जो रूट था वाया जैसे मुंबई से सर्बिया वाया दुबई, और फ्लाई दुबई से इन्होंने ट्रैवल किया है। तो प्रियंका वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। पहले ये बताइए कि वीडियोस कब से फॉलो कर रहे हो? मैं एक्चुअली ये ट्रिप प्लान कर रही थी 3 मंथ्स पहले से, मतलब मैंने आई थिंक नवंबर, अक्टूबर या नवंबर में मैंने टिकट्स बुक किया था, तो उससे पहले से ही मैं फॉलो कर रही थी वीडियोस। तो प्रियंका कितनी हेल्प हुई आपकी वीडियो से? बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स लेना था, इवन मैंने आपको कॉल भी किया था बहुत बार, इंस्टा भी मैसेज किया था, आपने रिप्लाई भी किया था, थैंक यू फॉर दैट, बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। ओके चलिए, बट ट्रेजिडीज भी ऐसे हो जाती है ना, मतलब बिल्कुल लोग बिल्कुल माइंडसेट करके आते हैं ऐसे और बिल्कुल हो जाता बिल्कुल, है कुछ और। क्योंकि प्रियंका आपने काफ़ी वीडियोस देखी सर्बिया के बारे में, कोई और चैनल पे भी आपने जाके देखी होंगी कि लोग डिपोर्ट हो जाते हैं, ये हो जाता है वो जाता है, बड़ा सारा कन्फ्यूजन माइंड में रहता है जिसको भी सर्बिया ट्रैवल करना है, राइट? मैं एक्चुअली फॉलो करती हूँ, एक्चुअली एक और चैनल है, उनका नाम मैं भूल गई, कुछ बहुत फेमस है वो सोलो ट्रैवलर है, बहुत जगह पे ट्रैवल करते हैं, तो उनको मैं फॉलो करती थी। तो उनके वहाँ से मुझे पता चला कि सर्बिया इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। तो फिर बिल्कुल मैं जब सर्च किया गूगल में, फिर यूट्यूब में भी मैं चेक कर दी, तब आपका वीडियो पॉपअप हुआ। ओके ओके वहां से आप एक्चुअली फर्स्ट वीडियो आपका आई थिंक मैंने दुबई या किसी और कंट्री के बारे में देखा था। ओके फिर ओके देखते 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 फिर सर्बिया का आया, तो एक साथ बहुत सारे सर्बिया 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 सर्बिया, फिर मैं आपको फॉलो करना स्टार्ट करती। ओके तो फाइनली आपका, चलो आपने जो भी मतलब नॉलेज मिली वहाँ से, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सारा आपको धीरे धीरे पता चलता चला गया, राइट, कि ये प्रोसेस है और ऐसे जाना है। देन ही कॉन्टेक्टेड मी, और आपको बताया भी मैंने कि भाई ऐसे ऐसे है। तो फाइनली अभी आप 4 फेब है, आज फरवरी में आप पहुँच चुके हो वहाँ पे। तो अब ये बताइए कि जब आप मुंबई एयरपोर्ट पे गए, सो हाउ वॉज द फर्स्ट इंप्रेशन, लाइक फर्स्ट रिएक्शन क्या था उनका जब आप काउंटर पे गए? मैं तो कोलकाता से हूँ, आपको पता है, जी तो मैं सुबह 12 बजे निकली थी 1 तारीख को, तो फिर मैं जाके मुंबई पहुंची, तो वहां पे तो अर्पिता दी से भी मैं मिली, एक्चुअली अच्छा वहां पे वो ओके भी आए थे मुझसे मिलने, ओके उनसे बहुत ओके बात हो गई। ओके 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 गुड तो मेरा फ्लाइट था 4:55 इन अर्ली मॉर्निंग ऑन सेकेंड, तो मैं पहुंच गई थी वहां पे 8:30 बजे, ओके और अर्पिता दी से मैंने 1 बजे तक एयरपोर्ट के बाहर बैठ के हम लोग गप्पे लड़ा रहे थे। ओके चलो, आप अपने आप उन उनका अपना एक्सपीरियंस भी सुना, और वो आपके हेल्प भी करेगी, उन्होंने काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें बताई होगी। अर्पिता अगर भाई कोई जानता, तो उन्होंने मेरे साथ एक वीडियो शूट करी थी जो कि उन्होंने ट्रैवल किया था, तो उन्होंने भी मुझसे पूछ के ही ट्रैवल किया था,
और प्रियंका ने भी अपने डिस्कस करके सारे उन्होंने ट्रैवल किया है। अच्छा, तो जब आप काउंटर पे गए फाइनली, फ्लाई दुबई काउंटर पे, उन्होंने कुछ पूछा आपसे कि क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो सर्बिया? नहीं, नॉर्मल जैसे पूछते हैं कि पासपोर्ट मैंने दिया तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला मैं जा रही हूँ बेलग्रेड सर्बिया, तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ है, वीज़ा कहाँ है, मैंने बोला इंडियन के लिए सर्बिया 30 डेज फ्री वीज़ा है, तो बोला अच्छा। फिर उन्होंने एक्चुअली कंफर्म किया किसी से, उस बंदे ने कि इंडियंस के लिए फ्री वीज़ा है, तो उनको बोला गया कि हाँ इंडिया का इमिग्रेशन जो था मेरा, टिकट से लेके इमिग्रेशन इतना स्मूथ था। मैं अच्छा एक्चुअली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी अच्छा कि अच्छा मैंने वो सुना था दिल्ली से डिपोर्ट कर देते हैं, नहीं देते टिकट जब लेने जाते हैं बोर्डिंग पासेस। मैंने चेक इन कर लिया था ऑनलाइन इस चक्कर में कि अगर चेक इन कर लूँगी तो प्रॉबली ज़्यादा चांसेस होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस इतना ही पूछा कि कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, बस उन्होंने दे तो मुझे मतलब टिकट दे इंडिया दी। इंडिया इमिग्रेशन पर तो बड़ा डाउट था आपका, बहुत ज़्यादा डाउट था आपका। आपने मुझे बहुत बहुत परेशान बहुत किया। राइट, तो फिर भी वहाँ पे इतना कुछ पूछा नहीं आपसे, राइट? ना कुछ भी नहीं, तो टिकट फाइनली काउंटर पे तो फाइनली मतलब जब एंट्री ही दे आपका दी मुंबई मैंने। का इमिग्रेशन क्लियर हो गया तो रिलैक्स मिला कि हाँ भाई थोड़ा अब फील अच्छा फील हो रहा जब टिकट के काउंटर पे खड़ी हुई थी ना, मेरा मतलब हार्ट बीट ऐसे हो रहा था, है? एक बड़ा ओके, धक धक दिल धक धक कर रहा था, मैंने राइट? जब टिकट, हाँ मुझे एक्चुअली डर लगता है जब मैंने चेकिंग बैग उनका मतलब उन्होंने वेट किया, वेट करने के बाद जो स्टिकर होता है स्टिकर लगा दिया, उसके बाद मैं कंफर्म हो गई कि मैं जा रही हूँ, ओके ओके टिकट मिल ओके जाएगा मुझे, तो चलिए चलिए। फिर मैं टिकट अच्छा लेके अच्छा फिर अच्छा इंडिया। अर्पिता, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे आपके पास, एक बार और बता दीजिए। प्रियंका नॉट अर्पिता। ओके ओ सॉरी, ओके। हाँ, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से थे आपके पास? मेरे पास आर्टिफिशियल था जो मैंने बाहर से करवाया था, ठीक है, कोलकाता से करवा के गई थी वो वाला, कितने की कॉस्ट पड़ी उसकी? 500। ओके, और उसके बाद? एंड उसके बाद मेरे पास था आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, बैंक डॉक्यूमेंट्स ठीक है, 6 मंथ, और मेरे पास था रिटर्न टिकट, आपका रिटर्न टिकट, यस। एंड होटल बुकिंग मैंने booking.com से करवाया था, बट वो मांगा था वो दुबई कंफर्म, एंड मुंबई में कुछ प्रॉब्लम नहीं, नहीं वो कंफर्म था कि नहीं था, जो आपका पेड था कि नहीं था? मतलब मैंने नहीं पेड नहीं था, पेड नहीं था, ओके ओके, इसीलिए प्रॉब्लम हुआ मेरे को हाँ एक्चुअली। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग ना, वो पेड नहीं था आपका। ओके चलिए, तो डॉक्यूमेंट्स आपने बता दिए, मुंबई का इमिग्रेशन भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है, फाइनली वो बड़े एक्साइटेड हो गया यार कि हाँ भाई चलो मेरा काम बन जाएगा। राइट, एंड यू ऑल्सो मैं तो टेक्स्टेड मी मतलब लाइक फर्स्ट टाइम इमिग्रेशन आर्टिस्ट क्लियर हो करूंगा। गया इंस्टा पे, राइट? आपने मुझे मैसेज भी किया था। हाँ, मैं जब वहां से इमिग्रेशन इमिग्रेशन काउंटर पे मुझे पूछा गया क्वेश्चन, मुंबई एयरपोर्ट पे कहाँ जा रहे हो, सेम क्वेश्चन कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला, तो बोला वीजा कहाँ है, मैंने बोला, तो उन्होंने पूछा मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने बोला कि हाँ आई एम स्टूडेंट, तो उन्होंने पूछा, तो फिर जो हाँ मुंबई एयरपोर्ट पे एक चीज हुआ, उन्होंने स्टैम्प मार दिया मेरे पासपोर्ट पे, ठीक है, फिर मुझे लेके गए अंदर अच्छा, जो इमिग्रेशन का ऑफिस में लेके गए, वहां तो पे एक वहां पे बहुत दिल धक धक नहीं सीनियर, करा? नहीं मतलब उन्होंने, मैंने देखा उन्होंने मार दिया स्टैम्प, ठीक है, उसके बाद मुझे लगा कि वो पासपोर्ट दे देंगे, फिर उन्होंने डोर ओपन किया, बोला कि कम इनसाइड, मैं गई, फिर बोला कि फॉलो मी, मैं उस सीनियर कोई ऑफिसर बैठा हुआ था, उनको बोला कि सर्बिया जाना है इनको, तो उन्होंने मुझसे पूछा कौन है वहाँ पे, उन्होंने ऐसे पूछा कि कौन है वहाँ पे, मैंने बोला कोई नहीं है मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, फिर पूछे कि जॉब के लिए जा रही हो वहाँ पे, मैं बोल रही हूँ नहीं मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे कॉलेज से मुझे प्लेसमेंट मिलेगा, अभी बिल्कुल, मेरा एग्जाम खत्म हुआ है दिसंबर में फाइनल एग्जाम, तो मैं अपना रिजल्ट का वेट कर रही हूँ, जो है मैंने उनको बता दिया, नहीं ठीक है तो ठीक बोला है, कि ठीक है जाओ, ओके ओके, फाइनली फिर आप वहां से निकल गए। मैं निकल गई। मैं तो मतलब उछल रही थी जब मैं वहां से इमिग्रेशन क्लियर मेरा हो गया, मैं उछल रही थी। अरे फिर ओके अर्पिता दी को फोन किया, मैंने अपने सिस्टर को फोन किया, ओके 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 वो अर्पिता दी भी उछल पड़ी, हो गया क्लियर, हो गया क्लियर, तो बोला हाँ हो गया। ओके 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 चलिए, देखिए भाई इस तरीके से ट्रैवल से मतलब काफ़ी हेल्प हो जाती है, मतलब इस तरीके की वीडियो से। तो अच्छा अर्पित, चलो फाइनली आप यहाँ से निकल गए, अब फ्लाई दुबई फर्स्ट टाइम आप बैठे हो फ्लाइट में, राइट? कैसा लगा फ्लाई दुबई नहीं से?
फ्लाइट में मैं इससे पहले भी ट्रैवल की मतलब किया हुआ इंटरनेशनल था, बट वो इंटरनेशनल हाँ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम था। हाँ तो फ्लाई दुबई का फिर कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा टायर्ड थी, जैसे मैंने बोला कि मैं सुबह के 12 बजे निकल गई थी कोलकाता से, तो मैं इतना ज़्यादा टायर्ड थी मैं फ्लाइट में जाते ही सो गई दुबई ओके। तक। लेकिन अच्छा मैंने तो अर्पिता दुबई में कुछ पूछा आपसे? दुबई में ट्रांजिट था आपका, जब दुबई में आप हाँ रुके पूछा, वहाँ पे पूछा, क्या वहाँ पे बोले? पूछा फिर वीज़ा कहाँ है, तो पूछा कि पहले पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ सर्बिया बेलग्रेड। तो एक्चुअली मैं बोलना भूल गई थी, दुबई में जाकर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, ठीक ओके। है। कि मुझे मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट था दुबई से, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी दुबई के इमिग्रेशन में, और मैं ओके गई तो मतलब स्टार्ट नहीं हुआ था मेरे जाने के, 1 सेकंड के अंदर ही वो स्टार्ट हुआ। तो मैं नहीं, वो जाके वहां पे फ्लाइट इमिग्रेशन नहीं वहां, होता अर्पिता, वहां पे इमिग्रेशन नहीं होता, वो जस्ट आपको गेट चेंज करना होता है। बट वो हाँ वो लोग आपसे पूछ रहे थे पूछ रहे गेट होंगे, पे। क्वेश्चन पूछ रहे होंगे जरूर हाँ बोर्डिंग गेट पे। तो क्या 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 पूछा आपसे फिर? उन्होंने ये पूछा कि कहाँ जा रहे हो, अकेले ट्रैवल कर रहे हो, मैंने बोला हाँ। तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पीसीआर टेस्ट एंड पासपोर्ट देखा, फिर वो देखने के बाद के बोला कि वीज़ा कहाँ है, सेम क्वेश्चन। मैंने बोला सर वीज़ा तो फ्री है इंडियंस के लिए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो फिर फंड उन्होंने पूछा कि क्या है, मैंने बताया जो मैं कैरी कर रही थी। फिर उन्होंने बोला कि फिर तुम क्या करती हो, मैंने बोला स्टूडेंट हूँ, मैंने फाइनल एग्जाम खत्म, क्यों जा रही हो, फाइनल एग्जाम खत्म हुआ है मुझे घूमना था बस, मैं जा रही हूँ, ओके ठीक है जा। अच्छा बहुत ठीक स्मूथ था, ओके, बहुत पूरा समझता। स्मूथ वो भी आपका ट्रांजिट भी हो गया राइट? तो वहां पे ट्रांजिट हो मतलब गया इतनी था, इशू नहीं आया, बाकी दो तीन क्वेश्चन जो यहाँ पूछे थे वही वहां पे पूछे, कोई अलग से मतलब ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल एकदम बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन ना। चलिए, और फाइनली जब आप सर्बिया पहुंच जाते हो तो वहां का आप एक्सपीरियंस बताओ, वहां पे कैसा एक्सपीरियंस था, क्या माहौल था वहां पे एयरपोर्ट पे बेलग्रेड में? मेरा फ्लाइट जब लैंड हुआ, मैं आई एम सो हैप्पी, मेरे फैमिली से मैं फर्स्ट हूँ जो इंटरनेशनल ट्रैवल ट्रैवल ओके। किया है, यूरोप आ गया। तो मेरा मेरे मन में वही लड्डू फूट रहे, अरे पहुंच गई मैं, फाइनली पहुंच गई। आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो बिल्कुल। अंदर गई इमिग्रेशन के लिए, मैं गई तो जैसा हुआ मैंने आपको बताया था, तब वही काउंटर पे गई मैं। वहाँ पे दो काउंटर होते हैं, एक जो सर्बियन पीपल है उनके लिए, एक जो आउटसाइडर है जिनको विदाउट वीजा अलाउड है उनके लिए, दो काउंटर है वहाँ। मेरे पहले ही सारे मतलब 30-35 इंडियन बंदे गए मेरे सामने, भी 2-3 इंडियन बंदे गए मेरे फ्लाइट में, आई थिंक दो दो तीन इंडियन बंदे थे जो ओके इमिग्रेशन के लिए गए थे। ओके मैं फ्लाइट में सबसे लास्ट निकली थी क्योंकि मेरा सीट पीछे था, तो ओके। मैं वैसे ही मतलब थोड़ा आराम से निकल आराम रही से थी, घूमते कोई फिरते निकल रश। गए। हाँ, तो उस मेरे पहले वो इंडियन बंदे गए काउंटर पे, उनको अलग से ले जाके एक रूम में रख दिया, बिठा अच्छा दिया कि बैठो यहाँ पे। अच्छा मुझे भी देखा हाथ में पेपर, मैं मुझे तो काउंटर में भी नहीं जाना पड़ा, मैंने जैसे बोला कि वो लोग बस देख रहे कि हाथ में बहुत सारे पेपर्स है तो ये इंडियन है। ओके ओके। तो ये अलग से पहचान बनी हुई है वहां पे भी है। अब क्या हुआ, तो वो जो लेडी थी काउंटर पे, तो उन्होंने किसी और को बुलाया, बोला कि सीज ऑल्सो, अब मतलब सर्बियन में बोल रहे थे कि इंडियन इंडियन, उन्होंने मुझसे हिंदी में बात की, आओ मेरे साथ। उसने ऑफिसर ने वो लेडी ने, आओ मेरे साथ। रियली ओके अच्छा तो मैं गई, मुझे ना सीरियसली हंसी आ गई थी, मतलब मुझे पहले समझ में नहीं आया कि उनका एक्सेंट थोड़ा सा मतलब हैवी है ना, यस 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 तो फिर मैंने रियलाइज किया कि उन्होंने बोला कि आओ मेरे साथ। ओके ओके तो मैं गई जाके फिर काउंटर पे, मतलब जो अलग सा रूम बना हुआ है वहां पे ले जाके बोला पासपोर्ट दो, पहले बिठा दिया इंडियन, ले जाके बिठा दिया। फिर आया एक बंदा आके पूछा कि वो पासपोर्ट दो, पीसीआर टेस्ट और सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन का और रिटर्न टिकट ओके और होटल बुकिंग, ये सारे पेपर्स लेके चले गए। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, सभी को एक बार करके बुला रहे, बुला के ये पूछ रहे कि कितने आपके पास फंड है, मैंने बोला, तो बोला ओके। एंड फिर उन्होंने बोला कि होटल बुकिंग, आर यू पेड, पेड होटल बुकिंग है आपका, मैंने बोला नहीं मैं ये होटल में जाके पे करूँगी।
तो फिर बोले कि अच्छा ठीक है, बस बस अच्छा हो गया, ओके वहीं पे खत्म। ओके ले जाकर बैठा दिया। मैं वहां पे 12 बजे पहुंची थी, 2 घंटे, 2 बजे तक, क्योंकि 2 घंटे मेरा मेरे फ्रेंड का फ्लाइट लैंड हुआ 2 बजे। तो वहां पे बिठा रखे थे हम 30 35, ठीक है उससे भी ज्यादा हो सकते, इतने सारे, मतलब वो जो रूम था पूरा फुल हो गया था, इवन लोग बाहर भी बैठे हुए थे, अच्छा मतलब आप इतने बंदों के साथ अकेली लड़की वहां पे बैठी हाँ पूरी हुई लड़की, सब मुझे ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं मतलब अच्छा जो क्या। मोस्टली बंदे बिठा रखे थे वो सारे पंजाब से थे क्या? मोस्टली पंजाब से थे। ओके ओके एक बंदा गया, आई थिंक उसका पेड होटल बुकिंग था। एक सुना, हाँ हाथ में दर्द हो गया बक रहे बक रहे। ओके ओके एक बंदा गया वो इमिग्रेशन पे, आई थिंक उसका पेड बुकिंग था, तो उसको छोड़ दिया। अच्छा उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे सबको मतलब अंदर सबको कॉन्फिडेंस हो गया था कि अरे हमको भी छोड़ देंगे, ठीक अच्छा, है। ठीक है। मेरे माइंड में, मुझे ना सीरियसली मैं बोल रही हूँ, वहां पे इतने सारे बंदे बैठे हुए थे, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था वहां पे, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आऊंगी ओके, ओके, ठीक तो मुझे है। बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। बट हाँ थोड़ा सा जो मतलब ये होता है वो था, डर नहीं बिल्कुल भी लग रहा था। मैं बैठी हुई थी, फिर कतार से 2 बंदे आए, वो कतार में रहते हैं बट ओके इंडियन है, ओके ठीक है। वो आए, वो मुझसे बात कर रहे थे आप कहाँ से, वो उन्होंने सबको देखा, मैं अकेली लड़की हुई थी बैठी हुई थी, तो उन्होंने सब सबको बात कर रहे थे नॉर्मली। तो मुझे एक बंदे ने पूछा, जो कतार वाले थे, 2 बंदे थे एक साथ आए थे, तो मुझे पूछा कि आप कहाँ, मतलब बेलपुरा जा रहे हो, मैंने बोला हम बेलपुरा जा रही हूँ। फिर बोला कि बिठा रखा है, मैंने बोला हाँ। फिर बोला पेड होटल बुकिंग है, बोला कि नहीं मेरा, मैंने उनको बोला कि मेरा फ्रेंड आ रहा है यूएस तो उन्होंने बोला अच्छा। फिर 2 घंटे बैठने के बाद 2 बजे मेरे फ्रेंड का फ्लाइट लैंड हुआ। तब तक मैं इतनी वहां पे बोर हो चुकी थी ना, मुझे एक्चुअली गुस्सा गुस्सा आ रहा था। एक तो टायर्ड थी, बिल्कुल चिड़चिड़ाहट बिल्कुल बहुत ज्यादा हो रही थी बिल्कुल मुझे बिल्कुल ट्रैवल की वजह से, मतलब मोर देन 24 आवर्स मैं वहां पे ट्रैवल कर रही थी, बस फ्लाइट चेंज फ्लाइट चेंज फ्लाइट चेंज ये कर रही थी बस। ओके तो फ्लाइट लैंड हुआ तो मैंने देखा कि लोग अंदर आ रहे हैं, मेरे फ्रेंड का जो फ्लाइट था, मैंने देखा कि लोग अंदर आ रहे हैं, तो मैंने तभी बाहर चली गई। मैं जाके एक ऑफिसर को बोला कि मेरा फ्रेंड, आपको बस इतना ही है कि आप हाई कर सकते हो। और उन्होंने मुझे ये बोला, मैं अकेली थी उनके साथ वहां पे, तो उन्होंने मेरे कान में ये बोला कि यहाँ पे डिसाइड हो गया कि आप जा रहे हो घर, मतलब आप जा रहे हो दुबई, टिकट ओके आपका बुक होगी, ओके सभी जा रहे हैं। ओके मेरे उस बंदे ने मुझे बोला कि सभी जा रहे हैं वापस अच्छा और आप भी जा रहे हो, तो फिर आपको क्योंकि कैसा आप लोगों लगा? के पास, मैं ठंडी पड़ गई थी वहां पे। तब मुझे लग रहा था, मतलब अंदर जब बैठे हुए थे तब मुझे लग रहा है कि नहीं बस नॉर्मल इमिग्रेशन है छोड़ देंगे, ठीक है। जब उन्होंने ये बोला, मैंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने उनको बोला कि मेरा फ्रेंड आ रहा है यूएस से, बोला कि आपका फ्रेंड आ रहा है आने दो, बट आप नहीं जा सकते। मैंने बोला कि मैं अभी पे कर दूं अगर होटल का, तो मैं जा सकती हूँ, नहीं अभी नहीं कर सकता, ओके आपको ओके करके आना चाहिए था ओके ये। मतलब सबको जानना चाहिए कि अगर सर्बिया आ रहे हैं तो पेड होटल बुकिंग होना चाहिए, अदरवाइज वो लोग आपको नहीं अलाउ करेंगे। ओके 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 तो फिर क्या हुआ? तो मैं सीरियसली बहुत, तब मैं ठंडी पड़ गई थी कि मेरा फ्रेंड इतना दूर से आ रहा है, इतना ट्रैवल किया है। तो फिर और वहां पे खड़े होकर मुझे डर भी ये लग रहा था, मतलब सारे जो इमिग्रेट, मतलब जो फ्लाइट से निकले हुए थे सारे निकल गया, वो एंड में आ रहा है एकदम ओके आराम से। ओके मैं वो और वो बंदा मेरे बगल में खड़ा होके कंटिन्यूअसली मुझे बोले जा रहा है कि आप जा नहीं सकते, आप बस हाय करो अंदर जाओ, अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा मैंने वो बोला क्यों, मैंने उनको ऐसे बोला कि क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती, मतलब अग्रेशन आ गया था तब मुझे। हाँ फिर फिर वो बंदा बोलता है नहीं यू कांट, यू हैव टू गो बैक। ठीक है मेरे, मुझे वेट करने दो, मेरा फ्रेंड आएगा, मैं उसको हाय बोलूंगी, उससे बात करूंगी, ठीक है। और कुछ नहीं बोला मैंने उस बंदे से, ओके उस बंदे से मैंने और दोबारा बात ही नहीं की। तो उसे लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ,
वो उस बंदे को, उसने मुझे पूछा कि कौन है, बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड है, क्या है ना है। उनको जब बोला फ्रेंड, उनको लगा कि मैं बस टाइम पास करने के लिए ये बोल रही हूँ कि मेरा फ्रेंड आ रहा है, हाँ, तो जब जब फाइनली तो जब अगर फाइनली मैं, आप वो आ गया तो उसके बाद क्या हुआ फिर ये बताइए। जाके उसको बोला, मैंने उसको बोला कि ये लोग मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, अपने फ्रेंड को, कि ये लोग मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, बात करो उनसे। तो वो आए, वो जब आए उनको बोला कि नहीं, उस बंदे ने लिटरली, मतलब वो जो ऑफिसर था उस बंदे ने मुझे लिटरली बोला मेरे फ्रेंड आने के बाद, यू हैव ओनली 1 सेकेंड, अच्छा, टॉक एंड कम बैक। ओके ओके, फिर फिर मैंने उसको जाके बोला कि ये हो रहा है, एक्सप्लेन मैंने किया। फिर उसने बोला कि ये मेरे साथ रह रही है। फिर 2-3 मिनट वहाँ पे उसने बात की, उसने अपना इमिग्रेशन किया करने के बाद बोला, उसने बोला कि, मतलब उसने जो लगा के बोला कि हाँ वो मेरे साथ रह रही है, उसने बुकिंग दिखाया दोनों का, उसके पास बुकिंग था हमारा। तो फिर मैंने मुझे अलाउ कर दिया कि ओके जाओ। फिर उनका ये आया कि ही इज अमेरिकन, यस ही इज अमेरिकन, अमेरिकन, शी यस, कैन गो। ओके। तो मतलब ये बोल के उन्होंने आपको रिलीज कर दिया वहां से, ठीक है। तो और ये बाद आपको, बाकी जितने भी थे बाकी के लोग, सारे इंडिया वापस। ओके ओके, बट मैंने भी आपको बोला था अगर आपको याद है कि पेड लेके जाना आप होटल बुकिंग, राइट, अपनी बात हुई थी जब। मुझे मुझे लगा था वो booking.com से मैं करूंगी, क्योंकि इसके पास था बुकिंग और इस, मैंने इससे मांगा नहीं था। मुझे लगा कि चलो ठीक है कोई नहीं, तो हाँ, मैंने खुद ही से, मतलब वो नॉर्मल वाला बुकिंग करके, मुझे लगा इजी होगा, इजी होगा, बस चलिए कोई मैंने। नहीं। फाइनली आप पहुंच चुके हो, अभी आप सर्बिया में ही हो, राइट। तो अभी कैसा, मतलब एनवायरनमेंट कैसा है वहां पे, मॉल कैसा है, स्नोफॉल हो रही है कि नहीं? ना स्नोफॉल तो नहीं हो रहा, बट ठंड है, बट इतना भी नहीं है, मतलब 2 डिग्रीज है यहाँ पे, मतलब ठीक है, बट अभी मुझे अभी इतना अगर कोई आना नहीं चाहे आता। तो ठीक है। हाँ आ सकता है, तो देखो बट भाई प्लीज पेड होटल बुकिंग के साथ आना। नहीं तो भाई इशू हो जाएगा सॉरी। तो भाई मैंने उस ऑफिसर को लिटरली ये बोला था कि हम लोग इतना वहाँ पे खड़े होकर, हम लोग इतना पैसा खर्च करके यहाँ पे आ रहे हैं, आप जो ऐसे भेज रहे हो, मतलब हमारा पैसा तो वेस्ट हो रहा है ना। फिर मतलब ऐसे, हाँ। अच्छा, और यहाँ पे एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो इंग्लिश बोलता है, इवन इमिग्रेशन पे, मतलब इतना वो लोग ऐसे बोलेंगे ना आपको समझ नहीं आएगा, ओके ओके आपको ओके। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा फिर आपको समझ में आएगा। क्योंकि वो मोस्टली सर्बियन ही बोलते हैं, इंग्लिश वो कम ही बोलते हैं, राइट। ये मतलब इतना बोलते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि जो जो काम से रिलेटेड चीज़ें हैं वही पूछते हैं इंग्लिश में, बाकी तो वो सर्बियन ही बोलते हैं। तो भाई देखो, ये था इनका पूरा एक्सपीरियंस। एक मुंबई वाले रूट से इन्होंने ट्रैवल किया है, वहाँ पे इतने इशूज़ नहीं आए, बट इधर सर्बियन में कोई इशू आया, और जो इशू था वो आपने सुन लिया क्या इशू था। तो भाई इस वीडियो को आप शेयर कर हाँ देना एक बात और और बोलना भी, था मुझे, ताकि और भी ट्रैवलर्स की हेल्प हो और भी इसे ट्रैवल कर सकें। यस, टेल मी। एक बात और, मुंबई में अगर किसी को PCR टेस्ट का प्रिंट आउट करवाना है, प्लीज एयरपोर्ट से मत करवाओ, क्योंकि 4 पेज का मेरे से उन्होंने 400 रुपये चार्ज किया था, 4 पेज का 400 रुपये 400 रुपये। ओके ओके, बड़ा एक्सपेंसिव है भाई, एयरपोर्ट पे सब कुछ एक्सपेंसिव होता है भाई, सब कुछ, राइट। पेज के लिए 400 रुपये, 4 पेज के लिए 400, दिस इज लाइक मोर देन एक्सपेंसिव। यस यस यस, ओके ओके। तो भाई ये चीज़ भी होती हैं, थोड़ा थोड़ा ध्यान से आप पहले ही, मतलब अपने जो भी डॉक्यूमेंट आप सारे प्रिंट करके लेके जाओ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। ठीक है प्रियंका, आपने अपना टाइम निकाला और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इट विल हेल्प लोट ऑफ पीपल जिनको भी जाना। भाई फ्रेश पासपोर्ट था लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रैवल किया है। तो भाई ऐसे एक्सपीरियंस आते रहते हैं मेरे चैनल पे, इंस्टा पे फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि और भी वीडियोस आती रहें और आपका ट्रैवल स्मूथ हो जाए। अच्छा एक बात और, यस, टेल टेल मेरा भी एक छोटा सा YouTube चैनल है प्लीज अच्छा फॉलो अच्छा करो उसको, नाम बताइए, नाम बताइए। फनटोफिया, फनटोफिया। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, ठीक ओके, तो है? भाई इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब कर लेना। और अभी सर्बिया में ही है, इनसे इनसे चैनल के थ्रू आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।